हेलो दोस्तों, क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स लाइन देखते हैं जिसमें नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। सेकेंड, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों साइनोनिमस होता है। थर्ड, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। फोर्थ, की इज अ टैक्सोनॉमिक ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की एक टैक्सोनॉमिक ऐड है जिसमें स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिफ्थ, हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम हाउस में जो प्लांट रखा गया होता है उसको ड्राई और प्रेस्ड किया गया होता है। सिक्स, ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ का ट्विंस कैरेक्टर इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर को कहा जाता है। इसमें से 2016, 2013, 2018 में नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली को एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स कहा जाता है। और भी बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं लिविंग थिंग्स का, जैसे परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। इंक्रीज इन मास बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। ये सभी करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, पर एक्सक्लूसिव ये नहीं है। एक्सक्लूसिव सिर्फ इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली को ही कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, अनएक्सेप्शनली डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिस्पॉन्स टू टच को कहा जाता है। रिस्पॉन्स टू टच को अनएक्सेप्शनली डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। अनएक्सेप्शनली मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। और भी बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर है, जैसे ग्रोथ, मोमेंट, इंट्रैक्शन, इवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सभी डिस्टिंक्ट फीचर्स है लिविंग और नॉन लिविंग का, बट रिस्पॉन्स टू टच को अनएक्सेप्शनली फीचर माना जाता है। When two plants belong to same species, कब दो प्लांट सेम स्पेसीज से बिलोंग करेंगे। When both can reproduce freely with each other and form seed, जब दोनों freely reproduce करेंगे और seed बना सके तब कहा जा सकता है कि दोनों सेम स्पेसीज के हैं। किस किस कंडीशन में नहीं कहा जा सकता है कि वो सेम स्पेसीज के हैं, जैसे have same number of chromosome, have more than 90% similar gene, look similar and possess identical secondary metabolite। इस कंडीशन में नहीं कहा जाएगा कि वो सेम स्पेसीज के हैं। इस पर 2007 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कार्लोस लिनियस, डेट इज मैंगीफेरा इंडिका। कार्लोस लिनियस एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट जिन्होंने सबसे पहले से एक मैंगो को साइंटिफिक नेम दिया था, डेट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। इसके साथ तीन रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका कार्डोटलिन, मैंगीफेरा इंडिका, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, जैसे मैन का होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बायोलॉजिकल नेम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। उससे पहले मैं एक बात ये बता दूं कि हर ब्रांच के लिए एक इंटरनेशनल कोड बनाया गया है, जैसे बोटनी के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वायरस के लिए ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। अब यूनिवर्सल रूल देखते हैं, व्हेन रिटन बाय हैंड्स द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। अगर बायोलॉजिकल नेम्स को अगर हाथ से लिखा जाए तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जेनस एंड द सेकेंड नेम इज स्पेसीज। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटालिसाइज्ड। द फर्स्ट वर्ड डेनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इसके साथ कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, जैसे बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। सेकेंड, द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन विद ए स्मॉल लेटर। ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे 2007, 2016, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब कुछ टैक्सोनॉमिकल ऐड देखते हैं, जैसे हर्बेरियम
It is a place where dried and pressed plant specimen mounted on the seats are kept. Herbarium में dried और pressed plant specimen को रखा जाता है. Key. A booklet containing a list of characters and their alternate which are helpful in their identification of various taxa. Key basically एक booklet है जिसमें बहुत सारे character का list होता है identification के लिए. Museum. It is a place having a collection of preserved plant and animal species. म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व किया जाता है. कैटलॉग. अ लिस्ट डेट इन्यूमिनेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पेसीज फाउंड इन ए एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. कैटलॉग बेसिकली एक पार्टिकुलर एरिया के स्पेसीज को डिस्क्राइब करता है. और भी बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड है जैसे मोनोग्राफ, फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन एटीसी. इससे 2018 में क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा. अब हर्बेरियम सीट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. द हर्बेरियम सीट कॉन्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल कॉमन इंग्लिश एंड साइंटिफिक नेम्स, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड नेम ऑफ फैमिली. इन सब डाटा हर्बेरियम सीट पर लिखा हुआ रहता है. बट हाइट ऑफ प्लांट ए हर्बेरियम सीट पे नहीं रहता, इसको ध्यान में रखिएगा. इस पर 2016 में क्वेश्चन आ चुका है. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन मोनेरा नॉट इन प्लांटिया फंजाई एनिमलिया. इस पर 2012 में क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में पाया जाता है, तो मोनेरा में पाया जाता है, प्लांटिया फंजाई एनिमलिया में नहीं. अब हायरार्किकल अरेंजमेंट को देखते हैं. स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम. ये सात हायरार्किकल अरेंजमेंट हैं. इसमें स्पेसीज को बेस ऑफ हायरार्किकल अरेंजमेंट कहा जाता है. यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा. आई थिंक आपको यह समझ आ गया होगा. कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कैसा लगा और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का रिविज़न चाहते हो. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.